हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है हमारा एडवांस जावा में फर्स्ट चैप्टर। तो आपने लास्ट सेमेस्टर में आई थिंक जावा तो आपने स्टडी किया हुआ है, बिकॉज आपको पता ही है कि जावा में कैसे प्रोग्राम रन होता है, जावा में किस तरह हम सिंटेक्स लिखते हैं। ठीक है, तो एडवांस जावा क्या है? तो जावा के साथ आप कोई डेटाबेस इंक्लूड करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडवांस जावा। लाइक प्रोग्राम थ्रू आप कोई डेटा को स्टोर कर रहे हो कोई डेटाबेस में, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे वन टाइप ऑफ सर्वर जिसके साथ हम डेटा भी यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एडवांस जावा का लैंग्वेज आज सीखने वाले हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका कि किस तरह हम डेटाबेस में क्वेरी अलाउ करेंगे, लाइक सिलेक्ट की क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी। तो इसके लिए हमारे पास एक सर्वर चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में फ्री में सर्वर अवेलेबल है, ठीक है। तो हम जो सर्वर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है ज़ैम्प। तो हम इस तरह गूगल पे सर्च करेंगे ज़ैम्प डाउनलोड, और आपको ज़ैम्प डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड में आप जाओगे यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे देखो ज़ैम्प के लिए आपको यहाँ पे लिंक लिया है, सिंबल विंडोज़, फिर लिनक्स, फिर यहाँ पे ओएस मैक। आपको जिस तरह आपको डाउनलोड करना है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा विंडोज़ है तो हम डाउनलोड करेंगे विंडोज़। तो देखो वर्जन 8.09 ये हमारा न्यू वर्जन आ गया है। तो यहाँ पे डाउनलोड 64 बिट पे आपको जस्ट क्लिक करना है और वो फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी मेरे पीसी में इंस्टॉल है, इसलिए सब प्रोसेस यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपको नेक्स्ट करके ज़ैम्प को इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या करना है, सिंपली आपको ज़ैम्प यहाँ पे अपने विंडोज़ में सर्च करना है ज़ैम्प। तो इस तरह ज़ैम्प कंट्रोल पैन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और हमारा सर्वर यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है। तो इस तरह ये ब्लॉग जो ओपन हो रहा है उसमें आपको अपाचे सर्वर और हमारा जो डेटाबेस है वो MySQL में हम डेटाबेस करने वाले हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे येलो से ग्रीन कलर आना चाहिए, उसका मतलब है कि आपका अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया है और आपका डेटाबेस भी स्टार्ट हुआ। सपोज़ यहाँ पे कुछ रेड कलर आ रहा है तो समझ लो कि आपने जो ज़ैम्प इंस्टॉल किया उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर से आपको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपका ज़ैम्प कंट्रोल स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको स्टार्ट करना था तो मैंने आपको स्टार्ट करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब आपको डायरेक्टली उसका जो ज़ैम्प लोकल होस्ट है उसको स्टार्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो होस्टिंग होता है उसको हम बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट। तो यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पे एंटर, देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लैश करके डैशबोर्ड जो लिख के आया है, ठीक है। तो ये आपका ज़ैम्प अपाचे सर्वर है, ओके। तो यहाँ पे PHP माय एडमिन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा जो जितना भी डेटाबेस क्रिएट होगा वो सब कुछ यहाँ पे क्रिएट होगा, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करना है PHP माय एडमिन पे क्लिक करना है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब एक पेज ओपन होगा जो हमारा ज़ैम्प सर्वर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम टेबल्स, डेटाबेस सब कुछ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये है हमारा PHP माय एडमिन, ओके। तो ये जो PHP माइंड आपको दिख रहा है इसमें हम स्टार्टअप करेंगे डेटाबेस, टेबल्स, SQL क्वेरीज, सब कुछ यहाँ पे हमको क्रिएट करना है। तो ये सब कुछ मैं आज के लेक्चर में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब हम जावा पे जाएंगे तो जावा लैंग्वेज में जो हम कनेक्टिविटी करने वाले हैं उसके लिए हमको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। और डेटाबेस में हमको क्या करना है, इंसर्ट की क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, क्रिएट की क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी, ये सब कुछ क्वेरी से हमको जावा से डेटाबेस में कनेक्टिविटी लानी है और हमको डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको सम क्वेरीज आनी चाहिए, तभी आप जावा में वो कनेक्टिविटी कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में हम सिंपली सर्वर जो है उसमें हम किस तरह क्वेरी फाइंड आउट करते हैं, किस तरह हम क्वेरी लिखेंगे, किस तरह डेटाबेस क्रिएट होगा, टेबल क्रिएट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम देख लेंगे आज के लेक्चर में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह जावा डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस क्रिएट करना है आपको, तो याद रखना जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं उससे पहले आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो जो यहाँ पे न्यू लिखा है यहाँ पे क्लिक करके भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे डेटाबेस लिखा है वहाँ पे भी क्लिक करके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे न्यू क्लिक करके मैं डेटाबेस को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डेटाबेस नेम आपको कुछ भी रख सकते हो डेटाबेस नेम, लाइक मैं लिख रहा हूँ टेस्ट यहाँ पे क्रिएट। तो हमारा जो डेटाबेस का नाम जो है वो लिखा है टेस्ट, तो मैंने क्रिएट किया। तो क्यों यहाँ पे एरर आ रहा है, बिकॉज एक चीज आपको याद रखनी है कि
आप जब PHP माय एडमिन में डेटाबेस में हम जॉब क्रिएट करते हैं तो हम जो कैपिटल कीवर्ड लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट वो स्मॉल ही समझता है, कैपिटल नहीं अलाउड। तो वो क्या कर रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिव रिकॉर्ड टेस्ट नाम का ऑलरेडी सिस्टम ने हमको टेबल दिया हुआ है, तो हम सेम टू सेम नाम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके बदले हम यहाँ पे दूसरा कोई नाम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सपोज मैं लिख रहा हूँ एडवांस जावा, इस तरह मैं लिख रहा हूँ अंडरस्कोर एडवांस अंडरस्कोर जावा। अब देखो एडवांस का एक कैपिटल है फिर भी वो स्मॉल हो जाएगा क्रिएट करने से। देखो क्रिएट एंड देन देखो यहाँ पे साइड पे एडवांस अंडरस्कोर जावा, तो बाय डिफॉल्ट सर्वर में आपका जो डेटाबेस बनेगा वो स्मॉल में ही बनेगा, तो एडवांस अंडरस्कोर जावा ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब टेबल क्रिएट करना है, तो आपको टेबल में जाना है, वो करना है, वो सब कुछ नहीं है। आप जब डेटाबेस क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली जो आपका पेज सर्वर पे जा रहा है वो है सर्वर डेटाबेस डॉट PHP, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट टेबल का जो मेथड आपको जो बनाना है टेबल वो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्रिएट टेबल आपको लिखा हुआ है, बस उसको जस्ट टेबल का नाम देना है और आपको कॉलम के हिसाब से उसको शो करना है। तो लाइक मैं दे रहा हूँ टेबल नेम एम्प्लॉई, इस तरह मैं टेबल का नाम लिया एम्प्लॉई, कॉलम कितनी देनी है आपके हिसाब से आप दे सकते हो 4 एंड देन गो। तो हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर एम्प्लॉई नाम का टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, पर कब, जब हम यहाँ पे ये सब कुछ फिलआउट करेंगे तब। ओके, तो टेबल का नाम एम्प्लॉई, 4 कॉलम्स आ गई है तो कॉलम के नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्लॉय मीन्स EMP अंडरस्कोर एम्प्लॉय ID। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम एम्प्लॉय सैलरी, फिर नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एड्रेस, इस तरह आप कॉलम के नाम लिख सकते हो। अब ये टाइप, तो व्हाट मीनिंग ऑफ टाइप, टाइप मीन्स डेटा टाइप्स, तो यहाँ पे कितनी टाइप्स अवेलेबल है, बहुत सारी अवेलेबल है डेटा टाइप्स। हमको क्या करना है, जो फोर्थ डेटा टाइप्स है यही हमको सीखनी है, बिकॉज जावा में यही हमको यूज़ करनी है। तो इंटीजर मतलब क्या, कि ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, तो आपको यहाँ पे ओनली डिजिट वैल्यू इनपुट करनी है तभी आपको यहाँ पे टाइप यूज़ करना है इंटीजर। तो ऑलवेज आपको पता ही है ID ऑलवेज इन न्यूमेरिक वैल्यू, तो यहाँ पे मैं इंटीजर सिलेक्ट कर दूंगा। एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम में ऑलवेज हमको वेरकेर करना है, तो व्हाट मीनिंग ऑफ वेरकेर, वेरकेर मीन्स कैरेक्टर एंड डिजिट्स बोथ आर अवेलेबल इन वेरकेर, तो आपको कैरेक्टर और डिजिट दोनों यूज़ करना है तो आप वेरकेर यूज़ कर सकते हो। तो नाम के पीछे आपको कुछ लिखना हो या फिर कोई डिजिट देना हो या फिर कोई सिंबल देना हो तो आप वेरकेर का यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर जो यहाँ पे दिखा है टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब है ओनली फॉर कैरेक्टर्स, आप यहाँ पे ओनली कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, डिजिट अलाउड नहीं है। ओके, और डेट का मतलब तो डेट, जो हमने डेट ली है। तो अब सैलरी में भी मैं वेरकेर कर दूंगा, क्यों, बिकॉज इंटीजर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता ही है इंटीजर की साइज़ कितनी है, -32,767 to 32,768, तो आपको यहाँ पे 32,000 आप इनपुट कर सकते हो, उसके ज़्यादा आप इनपुट करोगे तो एरर आएगी, क्यों, क्योंकि इंटीजर की साइज़ ही इतनी है। तो हम क्या करेंगे, वेरकेर का यूज़ करेंगे, वेरकेर में साइज़ आप जितनी भी डालोगे वो मैटर नहीं करती, बिकॉज यहाँ पर लेंथ आपको दी हुई है, तो हम वेरकेर का यूज़ करेंगे सैलरी के लिए। ठीक है, फिर एड्रेस में भी हम वेरकेर, बिकॉज आपके जो होम नंबर है, बंगला नंबर है, वो उसके साथ आपको कैरेक्टर डिजिट दोनों यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर वेरकेर। तो ये हमारा टाइप्स आ गया, तो यहाँ पे लेंथ कंपलसरी देनी है, लेंथ के बिना आपका टेबल क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको लेंथ देनी है अपने हिसाब से, 10 नेम 20 कैरेक्टर, 10 डिजिट तक आपका ID जाना चाहिए, 20 कैरेक्टर आपका नाम जाना चाहिए, इसी तरह आपको यहाँ पे साइज़ देनी है। तो नॉर्मली ऐसे साइज़ मैंने दे दी, बस अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है। ठीक है, और ये सब जो आपको दिख रहा है इसमें से आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। ठीक, अभी इतना ही आपको क्रिएट करना है। तो अब नेक्स्ट कैसे आएगा, तो आपको यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है सेव, तो सेव बटन पे क्लिक करने से आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर आपका एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये आपकी प्रोसेसिंग हुई, तो ये हमारा एडवांस जावा और उसके अंदर एम्प्लॉय टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। तो देखो ID, नेम, सैलरी, टाइप्स, सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्राउज में जाके आप उसकी डिज़ाइन भी देख सकते हो, देखो ID, नेम, सैलरी, एड्रेस, तो यहाँ पे हमको सिंपली इंसर्ट, डिलीट, अपडेट वो सब क्वेरी फायर करनी है। तो हमारा जो डेटाबेस था
उसके साथ जो टेबल था वो क्रिएट हो गया है। ओके तो ये था हमारा डेटाबेस एंड टेबल्स। अब हम करेंगे इंसर्ट की क्वेरीज और डिलीट की क्वेरीज। ओके तो किस तरह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि हम डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं और क्वेरी थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमको ज़्यादातर क्वेरी ही सीखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली कैसे करते हो वो मैं आपको पहले बता दूँ। तो डायरेक्टली मीन्स क्या, आपको यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट सिंपली क्लिक करना है। तो आपने सिंपली क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आईडी, नेम, सैलरी, एड्रेस दिया हुआ है। तो बस तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आपको फिल आउट करनी है। लाइक एम्प्लॉय आईडी 1001, नेम आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर सैलरी आप अपने हिसाब से दे सकते हो और यहाँ पे एड्रेस भी दिख सकते हो। ओके तो इस तरह आप रिकॉर्ड डाल सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे गो देन इंसर्ट इन द टेबल। तो देखो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी भी आ गई और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारा जो ब्राउज है उसमें जो डेटा है हमारा वो स्टोर हो गया है। देखो आईडी, नेम, सैलरी, एड्रेस, तो सब कुछ यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो ऐसे सिंपली इंसर्ट तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमको जावा से डेटाबेस में कनेक्टिविटी करने के लिए क्वेरी इंपॉर्टेंस है। तो आपको क्वेरी लिखनी है इंसर्ट की, तभी आपको पता चलेगा कि जावा और जेम्प किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इंसर्ट की क्वेरी। तो अभी जो इंसर्ट किया वो डायरेक्ट था, अब क्वेरी थ्रो में इंसर्ट करते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, एसक्यूएल में। तो यहाँ पे एसक्यूएल में गए तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है। अब बता दूँ कि यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक हो डायरेक्टली उसकी सिंटेक्स तो आ जाएगी। देखो सिंटेक्स आ गई। तो हमको सिंटेक्स भी नहीं देखनी है, क्यों, बिकॉज हमको जैम्प में कुछ भी वर्कआउट करना ही नहीं है। बिकॉज हम जैम्प जो यूज़ कर रहे हैं ओनली फॉर डेटाबेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम जितनी भी क्वेरी लिखेंगे वो सब कुछ जावा में लिखेंगे। तो जावा में लिखने के लिए फिर यहाँ से कॉपी नहीं करना है, तो खुद ही आपको पता होना चाहिए कि इंसर्ट की क्वेरी क्या है। तो आपको खुद ही लिखनी है, इसलिए मैं यहाँ पे एसक्यूएल में दिखा रहा हूँ कि इंसर्ट की क्वेरी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट कीवर्ड, इंसर्ट इनटू, इनटू कीवर्ड, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो आपका टेबल का नाम है वो एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू टेबल नेम्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, राउंड ब्रैकेट में आपने जितनी भी कॉलम्स ली है वो सारे के सारे कॉलम्स के नाम यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करने हैं। तो कौन से नाम आपने यहाँ पे लिखे हैं वो लिस्ट आउट करना है। तो आपको पता होने चाहिए कि आपके पास कितने कॉलम्स हैं। तो देखो यहाँ पे सामने 4 कॉलम्स अवेलेबल है, आईडी, नेम, सैलरी, एड्रेस। तो सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो ईएमपी अंडरस्कोर आईडी ऑटोमेटिकली आ गया, टैप करके लिख सकते हो, कॉमा ईएमपी नेम, फिर ईएमपी सैलरी, ईएमपी एड्रेस। तो ये सारी की सारी आपकी यहाँ पे कॉलम्स यहाँ पे आ गई। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम्स, फिर आपके कॉलम्स का नाम, सारे के सारे कॉलम्स, फिर आपको यूज़ करना है वैल्यूज़, वैल्यूज़ कीवर्ड, ठीक है। वैल्यूज़ कीवर्ड के बाद ओपन करो पैकेज में, आपको सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वैल्यू इनपुट की थी 1001, तो यहाँ पे इनपुट कराओ 1002, मीन्स हमारा ईएमपी आईडी, कॉमा करके ईएमपी नेम। तो याद रखना है आपको इंटीजर में आपको डायरेक्टली वैल्यू इनपुट करनी है, बट जब हम वेरकर का यूज़ करते हैं तो हमको सिंगल कोटेशन में नाम इनपुट करना है। तो सिंगल कोटेशन में नाम इनपुट करना है। वैसे ही सेम टू सेम सैलरी भी वेरकर है, तो सैलरी भी सिंगल कोटेशन आएगी। फिर सिंगल कोटेशन में हमारा एड्रेस जो है वो भी सेम टू सेम सिंगल कोटेशन, बिकॉज वो भी वेरकर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इस तरह एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पे ख़त्म हुई। तो ये क्वेरी आपको पता होगी तभी हम जावा से जैम्प में इंसर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज जावा में बाय डिफॉल्ट इस तरह से इंसर्ट की क्वेरी, सिंटैक्स, बाय डिफॉल्ट टेबल, वो सब कुछ हमको नहीं मिल रहा है। तो ये क्वेरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है, रन करते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पे गो है, गो पे क्लिक करना है और देखना है कि इंसर्ट हमारा हुआ कि नहीं हुआ। तो 1 रो इंसर्टेड, तो 1 रो आपकी इंसर्ट हुई। तो आपको कहाँ जाना है, ब्राउज में जाके देख लेना है कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ है। ओके तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया, 1002, एबीसी नेम, सैलरी 15,000, एड्रेस कतारगाम। तो इस तरह हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है।
ओके, तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड था वो डायरेक्टली इनसर्ट मैंने किया, वो भी आप कर सकते हो। दूसरा जो रिकॉर्ड था वो मैंने क्वेरी थ्रू किया, वो भी कर सकते हो, पर मैंने आपको आगे बताया क्वेरी मस्ट बी इम्पोर्टेंट इन जावा, ठीक है? तो आपको क्वेरी से ही करना है। तो ये था हमारा इंसर्ट क्वेरी, तो इंसर्ट हमारा यहाँ पे हो गया है। ओके, अब फिर से हम जाएंगे एसक्यूएल में। अब हम क्वेरी करने जा रहे हैं डिलीट, तो इंसर्ट करने के बाद हमको अब डिलीट करना है, ठीक है? तो कैसे डिलीट करोगे? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिलीट का सिंटेक्स ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, डिलीट के सिंटेक्स। तो हमको सिंटेक्स थ्रू करना नहीं है, हमको यूज़ करना है टेबल थ्रू, डायरेक्टली क्वेरी थ्रू। तो सिंपली कैसे लिखना है देखो, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम जो है वो एम्प्लॉय, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखोगे तो डायरेक्टली आपका जो भी है डेटा, सारे के सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखोगे और गो पे क्लिक किया तो सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। हमको सारे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने हैं, मुझे पर्टिकुलर कोई एक रिकॉर्ड ही डिलीट करना है। तो क्या करोगे? तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। वेयर कीवर्ड का मतलब है वेयर के बाद कंडीशन लिखो कि कौन सा कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना है और डिलीट करना है। तो वेयर के बाद आपको कंडीशन लिखने का, लाइक मैं लिख रहा हूँ सपोज EMP ID इक्वल टू 1001, तो जिसका रिकॉर्ड 1001 है उसका ही रिकॉर्ड डिलीट होगा, ठीक है? तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखोगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, बट हम जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो ID इक्वल टू 1001, ठीक है? तो ये है हमारी डिलीट की क्वेरी। अब जस्ट हम गो पे क्लिक करेंगे और हमारा 1001 ID हमारा डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे गो पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे हमको ओके का बटन दिया है। यू डू रियली वॉन्ट टू एग्जीक्यूट? यस, ओके, देन वन रो, तो यस सक्सेसफुली रिकॉर्ड डिलीटेड। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हमारी डिलीट हो गई है 1001। ओके, तो ये था हमारे डिलीट की क्वेरी। तो फर्स्ट इज इंसर्ट क्वेरी, सेकेंड इज हमारी जो डिलीट की क्वेरी थी वो, ओके, तो थर्ड वन इज अपडेट क्वेरी। तो डिलीट में एक चीज़ दिखा दूँ कि डिलीट का मतलब था मैंने वेयर कंडीशन लिखी थी कि लाइक ID इक्वल टू ये। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ID वाइज ही डिलीट कर सकते हो, आप नेम लिख के भी कर सकते हो, EMP नेम इक्वल टू जो आपका नाम है, EMP सैलर इक्वल टू आपका जो नाम है, EMP एड्रेस, मीन्स वेयर के बाद आप कुछ भी कॉलम का नाम लिख के वो पर्टिकुलर्स वैल्यू लिख के आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपडेट पे। तो अपडेट कैसे करना है? तो इंसर्ट और डिलीट सिंपली इजी क्वेरी थी, पर अपडेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आपको प्रॉपरली देखना है कि किस तरह अपडेट हो रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूँ अपडेट, टेबल नेम जो हमारा है वो, फिर आपको लिखना है कीवर्ड सेट, अपडेट टेबल नेम और सेट, सेट कीवर्ड आपको यहाँ पे यूज कर, जैसे इंसर्ट में वैल्यूज कीवर्ड, डिलीट में फ्रॉम कीवर्ड, इसी तरह अपडेट में आपको सेट कीवर्ड यूज करना है, ठीक है? फिर कौन सा कॉलम आपको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, उसको बोलते हैं अपडेट। तो लाइक मुझे जो मॉडिफाई करना है वो मॉडिफाई करना है, लाइक मुझे ID को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा EMP ID इक्वल टू, मुझे चेंज कर देनी है 1005, इस तरह मुझे ID को चेंज करना है। तो सेट करके मैंने ID जो चेंज करनी है, ओरिजिनल वैल्यू जो रिप्लेस करनी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? जो चेंज करनी है वो लिखी, फिर आपको लिखना है वेयर, कब वो चेंज करनी है, जब उसकी ID कितनी हो, 102। तो 101 तो हमने डिलीट किया था, 102 हमारे पास यहाँ पे था, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे फिर से देख लेते हैं हमारा जो रिकॉर्ड था वो क्या था, 102 ही है, ओके? तो 102 रिकॉर्ड है, उसमें हमको चेंजेस करना है। तो 102 रिकॉर्ड पे हमारा 105 आ जाना चाहिए। तो ये हमारा रिप्लेस वैल्यू और वेयर के बाद ये हमारी ओल्ड वैल्यू। तो अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम चेंज करना है कब, जब आपकी ID ये हो, ओके? तो अब यहाँ पे उसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू जो है वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। वन रो इफेक्टेड, सक्सेसफुली अपडेटेड 1005।
ओके, कुछ भी अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक ही चीज़ ये अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखो, लाइक एड्रेस को चेंज करना है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ EMP अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल टू सिंगल कोटेशन में, इस तरह मैंने लिखा 1 किलो। तो EMP एड्रेस मुझे चेंज करना है कब, जब वेयर EMP ID इक्वल टू 105, ऐसे लिखोगे तभी चलेगा कि 105 की जो आईडी है उसका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, वो भी चलेगा। अदरवाइज यहाँ पे आप लिख सकते हो EMP अंडरस्कोर जो एड्रेस है वो एड्रेस पहले क्या था वो यहाँ पे लिखना है इस तरह। तो जो कतारगाम एड्रेस है उसका एड्रेस क्या हो जाना चाहिए, 1 के रोड। तो पहले जो स्पेलिंग हमने जो लिखा है, ठीक है, वो पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि जो स्पेलिंग लिखी है कतारगाम की वो सेम टू सेम वहाँ पे होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम, सेम टू सेम है। ओके डन, सेम टू सेम है तो अब यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपनी क्वेरी आ गई, तो कतारगाम एड्रेस पे हमारा 1 के रोड एड्रेस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गो पे क्लिक कर रहे हैं, 1 रो इफेक्टेड, ब्राउज में जाना है और हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। ओके, तो ये था हमारा इंसर्ट डिलीट और अपडेट की क्वेरी। ओके, तो बहुत सारे रिकॉर्ड आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। लाइक अभी देखो इंसर्ट की क्वेरी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट में इंसर्ट करो, बिकॉज हम अब नेक्स्ट जो क्वेरी करने वाले वो सिलेक्ट की क्वेरी है, इसलिए आपको क्वेरी थ्रू ही इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट में एक रिकॉर्ड यहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर लूँ बिकॉज मुझे नेक्स्ट क्वेरी में उसकी ज़रूरत है। 1006 XYZ सैलरीज, हमारा एड्रेस एंड देन गो। ओके, टू रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड, तो यहाँ पे टू रिकॉर्ड्स है। तो अब हम करने वाले हैं सिलेक्ट की क्वेरी, ठीक है। तो सिलेक्ट क्वेरी का मतलब क्या है, कि सिलेक्ट क्वेरी का मतलब है आपको सारे के सारे रिकॉर्ड शो करने हैं, तब हम सिलेक्ट की क्वेरी फायर कर सकते हैं। तो सब कुछ हम सिलेक्ट की क्वेरी में ही करेंगे, लाइक मुझे खाली ओनली फॉर आईडी चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे एड्रेस चाहिए, आपको जो चाहिए वो सब कुछ सिलेक्ट में होगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं किस तरह। देखो सिलेक्ट स्टार मीन्स ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, जो आपका टेबल का नाम है वो एम्प्लॉय। तो सिंपली स्टार मीन्स ऑल, तो एम्प्लॉय के टेबल में सब कुछ मुझे सिलेक्ट करके दो। तो मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा तो मुझे सारे के सारे डेटा यहाँ पे शो हो गए, तो मुझे टेबल पे जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे आउटपुट डायरेक्टली यहाँ पे ही दिखेगा। देखो गो पे क्लिक किया, हमारा आउटपुट आ गया डायरेक्टली, दो रिकॉर्ड्स है तो दो रिकॉर्ड्स आ गए। ओके, आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो। लाइक देखो अब सिलेक्ट की क्वेरी में मैंने यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट की क्वेरी फायर की रिकॉर्ड देखने के लिए। अब मुझे कोई पर्टिकुलर वन ही कॉलम देखनी है, तो आप पर्टिकुलर वन कॉलम भी शो आउट कर सकते हो। किस तरह, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर करके लिख सकते हो कंडीशन, वेयर EMP ID जिसकी 1006 हो उसके ही रिकॉर्ड देखने चाहिए। तो देखो 1006 जिसके भी आईडी होगी उसके ही देखो आपको शो हो गए। देखो वो देखो रिकॉर्ड थे दो पर आंसर आया कितना, ओनली वन। क्यों? क्योंकि आईडी आपने फेच की है 1006 की। ओके, तो इस तरह हमारी क्वेरी आई। अब फिर से मुझे क्वेरी में चेंजेस करना हो तो कर सकता हूँ, लाइक मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो यहाँ से ऑल को निकाल दो, तो आपको जो चाहिए वो कॉलम का नाम लिखना है। तो लाइक मुझे लिखना है EMP नेम, कि भाई जिसकी सैलरी जिसकी भी आईडी 1006 होए उसका ही रिकॉर्ड मुझे आंसर में चाहिए, उसका ही नाम। तो आईडी जिसका है उसका नाम यहाँ पे शो करना है, तो आपको स्टार निकालोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना है, तो उससे ही हिसाब से आंसर आएगा। स्टार लिखोगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड आएंगे। तो यहाँ पे गो पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो नाम है वो आना चाहिए, आ गया XYZ टेबल में से, ओनली फॉर हमारा नाम ही आया। ओके, अब नाम के बाजू में उसकी आईडी भी चाहिए तो आप आईडी भी लिख सकते हो, ठीक है। मींस सिलेक्ट की क्वेरी में आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। देखो लाइक मुझे EMP ID भी चाहिए, कॉमा करके मुझे EMP नाम भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए तो दोनों भी कर सकते हो। देखो आ गया आईडी 1006 और उसका नाम है XYZ। तो ये आपका आंसर यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी का है। ओके, तो जैसे मैंने आपको दिखाया इंसर्ट की क्वेरी, डिलीट की क्वेरी, अपडेट की क्वेरी, सिलेक्ट की क्वेरी,
तो ये सारी की सारी जितनी भी क्वेरीज है हमको जावा में यूज़ करनी है डेटाबेस में, जब कनेक्टिविटी करेंगे तब तब जावा थ्रू हम डेटाबेस में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। इसलिए ये जो क्वेरी मैंने आज आपको एक्सप्लेन की वो आपको पता होना चाहिए, जो अदरवाइज आपको वो पता नहीं है तो आप जावा में क्वेरी वाइज यहाँ पे डेटा इंसर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैम हमारे लिए एडवांस जावा में ओनली फॉर डेटा स्टोर करने के लिए एक हमारा एक सर्वर है। ओके, तो इस तरह आपको यहाँ पे क्वेरी थ्रू कुछ भी नहीं करना, हमको तो करना है सब कुछ जावा थ्रू। तो आज के लेक्चर में जावा तो कहीं भी है ही नहीं, ओनली फॉर मैंने सर्वर पे क्वेरी आपको एक्सप्लेन की, जावा अभी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर क्वेरी वाइज, तो क्वेरी सब कुछ प्रीफर करनी है, ठीक है, और आपको आंसर देना है। तो अब यहाँ पे जो है असाइनमेंट क्वेश्चंस वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि असाइनमेंट क्वेश्चन आपको जो देने हैं वो क्या देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ असाइनमेंट क्वेश्चन। तो असाइनमेंट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फर्स्ट इंसर्ट करना है, तो आपको इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है, फिर आपको डिलीट की क्वेरी आपको लिख के देनी है, ओके, फिर आपको अपडेट की क्वेरी लिख के देनी है। कोई डेटाबेस या कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, सिंपली मुझे इंसर्ट डिलीट और अपडेट की क्वेरी सिंपल लिख के आपको असाइनमेंट में सबमिट करनी है, वो हिसाब से आपका अटेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर एडवांस जावा में जैम्प सर्वर। तो आज के लेक्चर में जितने भी मैंने करवाया वो घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तभी आप जावा में क्वेरी वाइज आउटपुट ला सकते हो।